नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे प्रीमियर एनर्जीज के बारे में। आज दिन इनको ना मल्टीपल ऑर्डर मिले हैं, जिस वजह से स्टॉक के अंदर हमको ना स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रहा है और 4.5% का अपसाइड का मूवमेंट लेकर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये ऑर्डर मल्टीपल बोलने का कारण क्या है? तो देखिए, पहला ना इनको डोमेस्टिक ऑर्डर मिला है। मतलब डोमेस्टिक क्या होता है, इंडियन मार्केट से ही एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को ऑर्डर दिया हो। दूसरा चीज़ क्या है, इंटरनेशनल ऑर्डर है। तो यहाँ पे ना फॉरेन कंट्री से भी एक ऑर्डर मिला है। तो डोमेस्टिक ऑर्डर कितना हो गया, 8 है। इंटरनेशनल ऑर्डर कितना, 1 है। तो टोटल कितना हो गया, 9 ऑर्डर हो गया। अब टोटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम के वैल्यू कितना रहेगा, मतलब 765 करोड़ का ये पूरा ऑर्डर दिया गया है, जिसके अंदर 9 ऑर्डर हैं। अब ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, इनको करना क्या है? तो देखिए, इनको ना सोलर सेल का जो ऑर्डर दिया गया है ना, वो 133 करोड़ का है। दूसरा ऑर्डर क्या है इनके पास, तो सोलर ऑर्डर ये क्या है, इनको पैनल ओनर बना के देना है, जिसका टोटल कॉस्ट जो है 632 करोड़ का रहेगा। तो ये दो ऑर्डर है, जिसके वजह से ना यहाँ पे स्टॉक के अंदर हमको अच्छी खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी टेक्निकल को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब से इसने आईपीओ लेकर आया, तब से देख रहे हो ना यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट लेकर ट्रेड किया। बीच में करेक्शन भी हो गया, फिर करेक्शन होने के बाद फिर दोबारा स्टॉक के अंदर हमको रिवर्सल अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे ना अच्छे मूवमेंट आपको और भी देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल रहेगा 1000 का रहेगा। पहला टारगेट जो रहेगा 1200 रुपये करेगा, क्योंकि इस कैंडल के लेवल से इसने रिजेक्शन लिया है। तो एक बार ये लेवल ब्रेकआउट कर लेता तो फिर बम यहाँ पर 1300 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक का अपसेट का मोमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। तो सारे कंडीशंस आपको बता चुका हूँ। चैनल परिवार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फैसल को रिकमेंडेशन ही। जय हिंद।